तो हे गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज के वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आज के वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्किप करने पे आप लोग बहुत कुछ हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने वाले हम बताने वाले हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो मेरा जो फोटो एडिटिंग करने वाले, कुछ इस तरह से मेरा फोटो है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा जहाँ भी फोटो शूट कीजिएगा ब्लर बैकग्राउंड में फ़ोटो शूट कर लीजिएगा। देख रहे हैं मेरा ब्लर बैकग्राउंड में है और कुछ ज़्यादा ही शायद ब्लर है मेरा। तो अपने ब्लर को थोड़ा मोबाइल में अगर मिक्सिंग दे रहा होगा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग लाइट रूम एप्लीकेशन में एडिट करने वाले हैं। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में पहले इस फोटो को हम लोग शेयर कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग शेयर कर दिए लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो हम लोग का फोटो लाइट रूम एप्लीकेशन में जा चुका है। तो हम लोग फाइनली अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं और अपने फ़ोटो की तरफ चलते हैं। तो लाइट रूम एप्लीकेशन में यहाँ पे हम लोग अपना लाइटिंग वगैरह थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही लाइट लग रहा है हम लोग को कम, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लगा लेते हैं, थोड़ा सा लाइट दे देंगे। सिचुएशन जो है हम लोग कम कर लेंगे। हाईलाइट भी है थोड़ा, इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ लाइटिंग वगैरह हम लोग अपना एडजस्ट करने के बाद फाइनली हम लोग यहाँ से लाइटिंग वगैरह एडजस्ट हो गया है। तो फिर यहाँ से हम लोग कलर आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा कलर मिल जा रहा है जो कि हम लोग के बहुत सारे काम में आने वाले हैं कलर। और ये जो हम लोग रेड वाला है यहाँ के नीचे वाले को एकदम थोड़ा इधर साइड में बढ़ा लेंगे और बढ़ाने से हम लोग को थोड़ा लाइटिंग वगैरह जो भी है चेहरा पे मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे चेहरा का लाइटिंग चेंज हो रहा है। उसके बाद में हम लोग पीला वाले पे आएंगे और इससे बैकग्राउंड का चेंज होगा। तो देख रहे हैं फिर हम लोग कलर अलग अलग का हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कलर वाले पे जाएंगे। यहाँ पे तो हम लोग को बहुत सारे कलर मिल जाएगा लेकिन हम लोग को जो कलर अच्छा लग रहा है उस कलर को हम लोग इफेक्ट कर लेंगे अपना। तो यहाँ से अपना कलर रेडिंग जो भी है उसको थोड़ा मिला लेंगे क्योंकि बैकग्राउंड के साइज में मतलब कि फ़ोटो पर भी वो पकड़ेगा मेरा, चेहरे वगैरह पर भी उस कलर का दाग धब्बा आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग सब कलर वगैरह आप लोग भी मिला लीजिएगा बढ़िया से। लोग इस रेड वाले कलर में आ जाएंगे और देख रहे हैं यहाँ से हम लोग का जो कपड़ा का रेडिंग है वो कपड़ा का चेंज हो जाएगा। कपड़ा का कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना जो भी हम लोग कलर चाहिए। तो देख सकते हैं हम लोग फाइनली अपना ये कलर रख लेते हैं और थोड़ा हम लोग लाइटिंग कम लग रहा है थोड़ा इधर उधर करके अपना लाइटिंग मिला लेंगे। ज़्यादा लगेगा तो ओवर लगने लगेगा इसलिए आप लोग लाइटिंग वगैरह थोड़ा मिला लीजिएगा, जितना आप लोग को लाइटिंग चाहिए उतना ही रखिएगा। तो हम लोग को यहाँ से कलर भी हो चुका है और यहाँ साइड वाला आइकन इफेक्ट पे हम लोग चले जाएंगे। और इफेक्ट से हम लोग को दो चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट अपना मिला लेंगे जो भी है, कंट्रास्ट वंट्रास्ट यहाँ से भी मिला सकते हैं। और बैकग्राउंड में जो भी आप लोग थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक की देख रहे हैं वही हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरा वाइट से लग रहा है तो इसका हम ब्लैक करना है हमको, तो इधर कर लेंगे। और यहाँ से देखिए ये सिचुएशन मिलाने के बाद ये यहाँ से ब्लैक करने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा मिला लेंगे अपना जो भी है जितना चाहिए हम लोग को जितने दूर में। पूरे फोटो को तो नहीं रख सकते हैं और पूरे फोटो रखने पे हम लोग का कलर बेकार हो जाएगा और फोटो भी अच्छा से नहीं दिखेगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हो चुका है हम लोग को पूरा फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल पूरा फुल और यहाँ से हम लोग को सेव करने के लिए तो वो थ्री आइकन के बगल में जो आइकन दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। सही कैमरा का दिखाई दे रहा है जो ऊपर उस पर भी क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा समय लेगा और हम लोग का फोटो डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का फाइनली फोटो डाउनलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग का फोटो। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा।